आज दिसंबर की पहली तारीख है और महीने की पहली तारीख से कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। गैस सिलेंडर के दाम से लेकर ट्रेन के टाइम टेबल तक क्या क्या बदलाव हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। एक दिसंबर से कई तरह के बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव आज से आपके लेन देन में होगा। आरबीआई ने रिटेल के लिए डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट के लॉन्च की घोषणा कर दी है। फिलहाल रिटेल के लिए डिजिटल करेंसी को मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। दूसरे चरण में 9 और शहरों को इससे जोड़ा जाएगा। इससे पहले आरबीआई ने 1 नवंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत होलसेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर ही रिटेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जा रहा है। रिजर्व बैंक के इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी नाम दिया गया है। आरबीआई ने ई रूपी के लिए 8 बैंकों को चुना है। इसमें शुरुआती यानी पहले चरण में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल होंगे। आगे के चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को शामिल किया गया है। दिसंबर से एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी बदल गया है। खासकर पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए पीएनबी ने आज से एटीएम से कैश निकालने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। आज से एटीएम में कार्ड लगाते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट होगा। इस ओटीपी को एटीएम स्क्रीन पर एंटर करने के बाद ही आप पैसे विथड्रॉ कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप इस महीने ट्रेवल करने वाले हैं तो ट्रेनों की टाइमिंग जरूर चेक कर लें, क्योंकि सर्दी में लगने वाले कोहरे की वजह से रेलवे कई ट्रेनें कैंसिल कर सकता है और कई ट्रेनों की टाइमिंग भी बदली जाती है। आज से लागू हुए दूसरे बदलावों की बात करें तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ने वाले हैं। हालांकि ये कुछ नॉमिनल चार्जेस होंगे जिनमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी खरीदना महंगा हो गया है। कंपनी ने 1 दिसंबर से टू व्हीलर की कीमतों में 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।